हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। हम बात करने वाले हैं PT 365 इकोनॉमिक्स के बारे में। ये सेकंड पार्ट है। हमने इससे पहले पहला पार्ट कवर कर रखा है, वो है लिंक, उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। सेकंड पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है GST से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डेवलपमेंट क्या रही है उसको हम जान लेते हैं। तो GST को 3 साल कंप्लीट हो गए, 2020 के हिसाब से बात कर रहा है। GST आप सबको पता है, जुलाई 1 को 2017 को आया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ। ये एक बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, इनडायरेक्ट है ये, आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बड़े सारे 17 इनडायरेक्ट टैक्स को अपने अंडर लेता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स जो सब्स्यूम नहीं है इसके अंदर, वो हम देख लेते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं है, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं है, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है, वैट नहीं है जो अल्कोहल कंजम्पशन पे होता है, वो सारा इसका कवर नहीं आता है इसके अंडर। GST जो लिवाइड होती है हर प्रोडक्ट पे होते हैं, एक्सेप्ट पेट्रोलियम, अल्कोहल, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी, और ये 4 स्लैब में डिवाइडेड है, 5, 12, 18, 28%। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 279A, क्लॉज ए मतलब, ये प्रोवाइड करता है रिकमेंडेशंस यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी के इश्यूज पे। काउंसिल जो है वो बेसिकली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर देखता है, और उसके साथ यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस होता है, मिनिस्टर्स इन चार्ज फाइनेंस के जो होते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेशन बाइंडिंग है, और डिसीजन जो लिया जाएगा वो 75% मेजोरिटी के साथ लिया जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो है एंटी प्रॉफिटियरिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी बेनिफिट जो रिडक्शन के बेस पे हो, जो कि रिडक्शन टैक्स पे हो या इंक्रीज हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आए हैं GST के बाद, वो पास होंगे कस्टमर पे बाय कमेंसुरेट रिडक्शन प्राइसेस में। इसको एंटी प्रॉफिटियरिंग बोला जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बेसिकली टाइम ऑफ पेइंग टैक्स है आउटपुट पे, और रिड्यूस करता है टैक्स जो ऑलरेडी इनपुट पे पे करना पड़ रहा है। मतलब कि आप इनपुट पे टैक्स नहीं दे रहे, रादर आप आउटपुट पे दे रहे हो। ई वे बिल, ये एक डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है कि वो एक पर्सन लेगा जो इंचार्ज होगा कन्वाइंस के, और वो कैरी करेगा कंसाइनमेंट गुड्स और वैल्यूज जो एक्सीड करते हैं 50,000 का, बियॉन्ड 10 किलोमीटर GST रीजन में। करंटली गोल्ड है एग्जेम्प्ट है इस चीज़ में। डेवलपमेंट क्या हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स पेयर का जो टर्नओवर जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा हार्मोनाइज सिस्टम नॉमनक्लेचर कोड, जो कि अप्रैल 2021 से लागू हुआ है। HSN कोड इसका एब्रिविएशन है। ये डेवलप हुआ था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल नॉमनक्लेचर है, क्लासिफाई करता है ट्रेडेड गुड्स को जो कस्टमर पर्पस के लिए होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिकेट करता है इश्यूज और बेनिफिशरीज जो फेक GST इनवॉइसेस डिटेन करते हैं अंडर कॉफी पोसा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। जो प्रेजेंट की बात करूँ तो एक्शन जो इनिशिएट होते हैं GST लॉ के अंडर होते हैं, इनकम टैक्स लॉ के अंडर होते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर होते हैं। कॉफी पोसा एक्ट जो 1974 में प्रोवाइड करता है प्रिवेंटेड डिटेंशन कुछ केसेस में, जो कि बात करता है कंजर्वेशन आर्ग्यूमेंटेशन फॉरेन एक्सचेंज का, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज और मैटर्स जो कनेक्टेड है इसके साथ। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करता है, लिवाई करता है GST जो लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग पे होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है डेफिनेशन ऑफ गुड्स जो आर्टिकल 366 के अंडर आते हैं, क्लॉज 12 कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंक्लूसिव है और यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है जो उनको रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग दे गुड्स को। GST कॉम्पनसेशन सेस इशू, रिसेंटली क्या हुआ है, एक टसल आई है जो सेंट्रल स्टेट के बीच में है कि यहाँ पे शॉर्टफॉल है 30,000 करोड़ का GST कंपनसेशन सेस पे। क्या
क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसी का जीएसटी का ही पार्ट है एक न्यूज़ का, ये इम्पोर्टेंट इसलिए जीएसटी 2017 में आया था, तो इसके अंडर एक परसेंटेज एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ होता है स्टेट का, जो कि प्रोजेक्ट कराया गया था 14%। अगर स्टेट उससे कम कमाती है, मतलब 14% से कम उनका इनकम जनरेट होता है, तो स्टेट को कंपनसेशन देगी सेंटर। तो सेंटर जो कंपनसेशन देगी वो स्टेट को देगी, जो कि प्रोविजनली कैलकुलेट होगा और हर रिलीज होगा एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स पीरियड। जो जनरेशन होगा रेवेन्यू का अंडर दिस एक्ट वो आएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस के अंडर। ये सेस कंप्राइज करते हैं जो आप सेस लगाते हो सिन या लग्जरी गुड्स पे। सिन मतलब जैसे टोबैको हो गया, लग्जरी जो जैसे कार होगी वो 5 साल के लिए होगा। जो एंटायर सेस कलेक्टेड है ड्यूरिंग द ईयर ये रिक्वायर्ड होगा कि वो क्रेडिट करें नॉन लैप्सेबल फंड में, जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड में। जो कलेक्टेड कॉम्पनसेशन सेस फ्लो करेगा और CFIA पे करेगा और ट्रांसफर होगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड जो है वो क्रिएट हुआ था। ये इशू अरोज हुआ है जब पेमेंट डिले हो गई थी अगस्त और सितंबर 2019 के महीने में, तो एक सब्सिक्वेंट पे आउट भेजा गया था जो कास्केडिंग डिले देख रहा था। स्टेट का क्या स्टैंड है इशू में कि सेंटर ऑनर नहीं कर रहा एक मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन जो उसे करना चाहिए कंपनसेट स्टेट्स को, और इनएफेक्टिवनेस जो है जीएसटी काउंसिल की है, जहाँ पे आपका 1/3 वोट पावर वोटिंग पावर है और सेंटर के पास एक वर्चुअल वीटो है डिसीजन मेकर काउंसिल में, और सिंस 1/4 मेजोरिटी चाहिए पास करने के लिए एक डिसीजन। सेंटर का क्या स्टैंड है ये भी हम समझ लेते हैं, दोनों के पक्ष हम देख लेते हैं। सेंटर ने रिफ्यूज़ करा है कॉम्पनसेशन स्टेट्स को, क्योंकि वो इमीडिएटली अभी नहीं कर पाते, बट वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट को कि वो 2 ऑप्शन कर सकते हैं। ये आर्ग्यू करा गया है जो इनफ्लो जीएसटी कंपनसेशन फंड में है ये जीएसटी कंपनसेशन से आएगा, और ये अगर इनएडिक्वेट होगा तो सेंटर ऑब्लिगेटेड नहीं है कि वो सप्लीमेंट करे फ्लोस फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब अदर सोर्सेज मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऐसा वगैरह चीज़ों से। जो रेजोल्यूशन है स्टील मैट जो फाइनली ब्रोक हुआ है विद 28 स्टेट्स और 3 UTs लेजिस्लेचर गोइंग विद ऑप्शन 1 प्रोवाइड करता है सेंटर को। यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 देख लेते हैं। 2.35 लाख करोड़ है जो है आपका फुल कंपनसेशन जो शॉर्टफॉल है फाइनेंशियल ईयर 21 शॉर्टफॉल जो पैंडेमिक की वजह से आया है, और इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी के बोरिंग कर सकते हैं मार्केट से या सेंटर RBI फैसिलेट कर सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है 0.5% स्टेट्स का बोरिंग लिमिट FRBM एक्ट में। ऑप्शन 2 हो सकता है 97 करोड़ का, जहाँ पे शॉर्टफॉल जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन होगा और बोरिंग होगी RBI का स्पेशल विंडो। लास्ट जो इसका है हम ये देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑन एंटिटीज जो न्यूज़ में रही है। डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस इम्पॉर्टेंट है, ये रेफर करता है इंक्रीज कितना फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह है ये इंक्रीज करता है फिस्कल डेफिसिट, जो कि कॉज हुआ है स्लो ग्रोथ के कारण, और ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी कहा जाता है इसको। पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ये PDRD का है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन का, जो कंपनसेशन देता है लॉस जो इंकर्ड हुए स्टेट को फ्रॉम द सेंटर। ये फॉर्म करता है सेकेंड लार्जेस्ट चंक फाइनेंस कमीशन का जो ट्रांसफर होता है लोकल रूरल बॉडीज में, और अदर FC ग्रांट्स के ग्रांट्स फॉर रूरल लोकल बॉडीज और ग्रांट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। असिस्ट करता है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट जो है TSA ये यूनिफाइड स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स का, और ये कंसोलिडेटेड व्यू देता है गवर्नमेंट कैश रिसोर्सेज का। TSA एक बैंक अकाउंट है जो लिंक होता है बड़े सारे गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन का जो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पे होती है। ये इंश्योर करता है इफेक्टिव एग्रीगेट कंट्रोल गवर्नमेंट के बैलेंस पर कैश बैलेंस का, मिनिमाइज करता है बोरिंग कॉस्ट का। क्रेडिट टू GDP रेशियो इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो क्रेडिट टू GDP रेशियो है 56% है, जो कंपेयर्ड है अगर बात करें एडवांस इकोनॉमीज में जहाँ पे रेंज 150 से 2200 तक का है। क्रेडिट टू GDP रेशियो जो है वो राइज होता है इकोनॉमिक बूम के टाइम और फॉल होता है
आपका इकोनॉमिक डाउन टर्न के, मतलब आज के टाइम पे क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो का डेफिनेशन जो देख रखा है, डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, इंडिकेट करता है, ये बताता है एक्सेसिव क्रेडिट कितना है इकोनॉमी में और सिस्टम वाइड रिस्क क्या है प्रीकर्सर टू क्राइसिस। बेजल थ्री के जो गैप है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, ये एक लॉन्ग टर्म है और ये गाइड करते हैं सेटिंग काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर CCCB। ये एम करता है स्ट्रेंथनिंग बैंक्स जो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द बिल्डअप ऑफ सिस्टमैटिक वर्नरबिलिटीज। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये रेफर करता है टैक्सेशन जो इनपुट्स का होता है हायर रेट्स पे दैन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो कि रिजल्ट होते हैं बिल्डअप ऑफ क्रेडिट्स और कास्केडिंग कॉस्ट पे। HFS हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, ये अगर बात करूँ RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से तो HFS जो है वो 7.2% GDP का रोज कर रहा है 2018-19 टू 7.7 2019-20। नेट HFS जो है वो ग्रॉस HFS माइनस फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। HFS रेफर करता है करेंसी बैंक डिपॉजिट डेप्ट सिक्योरिटीज पेंशंस इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो इंक्लूड करते हैं लोन्स फ्रॉम बैंक NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। रीजन क्या है, स्लो डाउन आ गया 2019 में जिसकी वजह से लेंडिंग ग्रोथ बैंक की कम हुई है और यहाँ पे स्लो डाउन आया है कंजम्पशन पे। इंडियन हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट करता है 60% कंट्री सेविंग का। म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर मैप एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म है जो बेसिकली टैक्स ट्रीटीज़ को देखता है। इसमें क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जो दो कंट्रीज के बीच में आती है जो कि टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट को देखती है। मैप इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये अमेंड हुआ है इनकम टैक्स रूल्स जो कि आता है एज पर द डिस्प्यूट अंडर मैप, रिजॉल्व होगी किसी भी फ्रेम टाइम फ्रेम में 24 मंथ्स के अंडर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रजिस्टर होता है सिक्योरिटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और ये 1976 में आया था, फाउंड हुआ था। मैंडेट करता है, इंक्लूड करता है असिस्टिंग सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट जो फॉर्मुलेट करता है रिफॉर्म करता है पब्लिक पॉलिसी को कैसे एनालिटिकल बेस प्रोवाइड करके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और ये लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पे।